नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि लघु पाराशरी की श्रृंखला चल रही है, आज हम पढ़ेंगे लघु पाराशरी का श्लोक नंबर 14, श्लोक नंबर 14, जो कि केंद्र त्रिकोण के बारे में बताया गया। तो श्लोक 14 कहता है, केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम, यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का यदि परस्पर संबंध हो, और इतरे रर प्रसक्ता शेद्धि शेष फलदायका, यानी किसी से संबंध ना हो, किसी और ग्रह से कोई संबंध ना हो, तो श्रेष्ठ फलदायक होता है। कैसे, ये आपको मैं बताता हूँ। वो कहते हैं कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर आपस में संबंधित हों और किसी और से संबंध उनका ना हो, तो उनका संबंध जो है वो राजयोग कारक होता है, बहुत ही अच्छा संबंध होता है, उसके रिजल्ट बहुत ही ऑस्पिशियस मिलते हैं। तो वही श्लोक में बोला गया है, यदि केंद्र के स्वामी यानी चौथा, सातवां, दसवें भाव के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी यानी पहला, पांचवा और नवा भाव के स्वामी अगर आपस में संबंध बनाते हैं, तो वे अत्यंत शुभ होता है। लेकिन ये आवश्यक है कि वे किसी और भावेश के साथ या किसी अन्य भाव के स्वामी के साथ संयुक्त ना, संबंधित ना। अब संबंध बनाने की बात आ गई, तो संबंध का हमें देखना पड़ेगा कितने प्रकार का संबंध होता है। तो बृहत पाराशर पुरा शास्त्र में चार प्रकार के संबंध बताए। उन संबंधों को बताने से पहले मैं इसके अंदर एक चीज क्लियर कर देता हूँ आपको, फिर मैं बताता हूँ कि कौन कौन से संबंध। तो सिंपल सी बात है कि इस श्लोक के लिए दो शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं, कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी में संबंध हो और कोई ग्रह उनसे संबंध नहीं रखता हो। ये दो शर्तें पूरी होंगी तो ग्रह बहुत ही अच्छे फल देगा। अगर ऐसा हुआ कि कोई संबंध रखता है तो वो सामान्य शुभ। जैसे संबंध कौन कौन से हो सकते हैं, लग्नेश और चतुर्देश का संबंध हो सकता है, लग्न के स्वामी का और चतुर्थ भाव के स्वामी का, क्योंकि केंद्रेश है। पंचमेश और चतुर्देश का संबंध हो सकता है, नवमेश और चतुर्देश का संबंध हो सकता है, लग्नेश और सप्तमेश का संबंध हो सकता है, पंचमेश और सप्तमेश का संबंध हो सकता है, नवमेश और सप्तमेश का संबंध हो सकता है, लग्नेश और दशमेश का संबंध हो सकता है, पंचमेश और दशमेश का संबंध हो सकता है, और नवमेश और दशमेश का संबंध हो सकता है। इतने प्रकार के संबंध ये हो सकते हैं जो शास्त्र में दिए गए। अब इसमें ये नवा और दसवें भाव का संबंध जो है वो कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट। वो कैसे, वो इस तरीके से इम्पोर्टेंट है कि नवा भाव होता है त्रिकोण का, तीन त्रिकोण होते हैं, पहला, पांचवा और नवा। पहले से ज्यादा बलशाली पांचवा, पांचवे से ज्यादा बलशाली उत्तरोत्तर बली होते जाते हैं, तो नवा सबसे बलशाली हुआ। इसी प्रकार केंद्र होते हैं चार, सात और दस, चौथे से ज्यादा सातवां बली और सातवें से ज्यादा दसवां, तो उत्तरोत्तर बली होते हैं ये भी। तो इसका मतलब केंद्र में दसवां भाव सबसे बलि हुआ और त्रिकोण में नवा भाव सबसे बलि हुआ। तो इसलिए नवे और दसवें भाव के स्वामी अगर संबंध बना ले तो वो तो बिल्कुल पूरा राजयोग हो जाता है, जिसके बारे में एक अलग से श्लोक बोला गया है लघु पाराशर। वो श्लोक मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी हम इसी श्लोक पर बात चलते हैं, जहाँ केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के संबंध के बारे में कहा गया। अब ये संबंध चार प्रकार के होते हैं जो बृहत पाराशर पुरा शास्त्र में बताए। कौन कौन से होते हैं, साइन एक्सचेंज रिलेशनशिप यानी क्षेत्र परिवर्तन संबंध। दो ग्रहों में संबंध है आपस में, केंद्र त्रिकोण के स्वामी है, एक दूसरे के घर में बैठा है, दूसरा पहले वाले। अगर वो एक दूसरे के साइन में बैठ जाएं, एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, तो इसको क्षेत्र परिवर्तन संबंध बोल। दूसरा संबंध होता है युति संबंध, यानी दोनों एक साथ, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी कहीं भी एक साथ अगर बैठ गए तो वो युति संबंध हो जाता है, उसका भी पूरा योग राजयोग मिलता है। अब ये भी है कि युति संबंध अगर आठवें भाव में होता है, बारहवें भाव में होता है, तो क्या, केंद्र त्रिकोण का स्वामी तो है और युति संबंध भी है उनका, लेकिन है आठवें भाव। आठवां भाव और बारहवां भाव तो अशुभ भाव कहलाते हैं, छठा भाव या अशुभ भाव कहलाता है, तो उसके लिए अलग से श्लोक है, वो आपको मैं आगे बताऊं। तो यहाँ पर यही श्लोक याद रखना है कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी का संबंध हो और किसी ग्रह से वो संबंधित ना हो तो बहुत अच्छा, और अगर वो किसी ग्रह से संबंधित है तो सामान्य रूप से अच्छा। दूसरा संबंध है युति संबंध के साथ बैठे हों। तीसरा संबंध है पारस्परिक दृष्टि संबंध के, दोनों ग्रह एक दूसरे को देखते हैं, पूर्ण दृष्टि से देख, क्योंकि दृष्टि भी कई प्रकार की होती है, तो वो दृष्टि से नहीं, पूर्ण दृष्टि से देख। और चौथा है स्थिति दृष्टि संबंध, यानी एक ग्रह जिस घर में बैठा है उसका स्वामी उसको देख, तो वो चौथा संबंध बन। तो अगर ये संबंध हो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी में तो, और किसी और से संबंध ना हो तो राजयोग, और किसी और से संबंध हो तो सामान्य योग बनता है। क्षेत्र परिवर्तन का मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ये कुंडली आप देखिए, ये इंदिरा गांधी जी की कुंडली है, इसमें शनि चार नंबर राशि में बैठा है और चंद्रमा दस नंबर राशि में बैठा हुआ है, यानी शनि बैठा है चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा बैठा है शनि की राशि, तो ये क्षेत्र परिवर्तन संबंध, दोनों ने एक दूसरे की राशि को चेंज कर, एक्सचेंज कर। इसी प्रकार से देखिए लग्नेश सप्तमेश का तो हो गया। अब आप देख सकते हैं सूर्य, सूर्य सेकंड हाउस का स्वामी है, वो बैठा है कहाँ पे, सूर्य बैठा है इधर पांचवें भाव में मंगल की राशि, और मंगल कहाँ बैठा है इस पांचवें भाव का स्वामी, सूर्य की राशि। तो दोनों ने, सूर्य ने और मंगल ने एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर लिया, तो ये वाला परिवर्तन, ये जो संबंध है
ये क्षेत्र परिवर्तन संबंध कहलाता। तो ऐसे में अगर केंद्र त्रिकोण के स्वामी अगर ये संबंध बनाएंगे तो वो संबंध बहुत अच्छा होगा। युति संबंध का तो आपको मालूम ही है कि मैंने बताया जैसे दो ग्रह युति करते हैं, जैसे शनि और चंद्रमा यहाँ पे युति कर रहे हैं, तो ये संबंध है आपस में, इन दो ग्रहों का संबंध बोले जाएंगे, ग्रह संबंधी बोले जाएंगे। वीनस और मरकरी आपस में युति कर रहे हैं, ये भी एक संबंध है, दो ग्रहों का संबंध है, मतलब दो ग्रह अगर एक साथ बैठे, दो या दो से अधिक ग्रह, तो संबंध कहला। पारस्परिक दृष्टि संबंध तो आप जानते ही हैं, एक ग्रह दूसरे ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता हो और दूसरा ग्रह भी उस पहले वाले ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता हो। स्थिति दृष्टि संबंध मैंने आपको बता दिया, ये हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ग्रह जिस घर में बैठा है उस घर का स्वामी उस घर को देखता है, तो आपस में संबंध। तो ये था केंद्र त्रिकोण के संबंध के बारे में जिसका कि श्लोक 14 में वर्णन किया गया है। सार यही है कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी में अगर संबंध हो और किसी ग्रह से संबंध ना हो तो बहुत अच्छा, और अगर किसी ग्रह से संबंध है तो समान। धन्यवाद। इससे पहले कि हम लोग ये खत्म करें वीडियो, एक सूचना देना चाहता हूँ कि हम एडवांस एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करने स्टार्ट जा रहे हैं, जो लोग भी इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जय